ओम शांति। पावन बनने की इस चढ़ाई पर साकार मुरली 7 अक्टूबर 2010 के रिवाइज्ड महावाक्य है। परमात्मा कहते, आत्मा पतित से पावन बनती है। फिर पावन से पतित कैसे बनती है, ये कोई नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सृजन। आत्मा को पावन बनाने की दवाई परमात्मा के पास ही है। तो तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। फिर 2 अक्टूबर 2010 के रिवाइज्ड महावाक्य। सतयुग में आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है। फिर द्वापर से रावण राज्य में जल्दी जल्दी कलाएं कम होती जाती है, क्योंकि माया रावण का ग्रहण लग जाता है। अब बाप कहते हैं, याद से ही तुम्हारा ग्रहण उतरेगा। ये ज्ञान एक ही बार इस संगम पर मिलता है, बस एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर ये ज्ञान देते हैं। 27 सितंबर 2010 शिव बाबा कहते, पट से कोई संपूर्ण नहीं बन सकता है, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है। तुम अभी बेहद के बाप के बने हो। तुम कितने खुश नसीब हो, तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है। तुम अपने आप को आपे ही मुबारक देते हो कि हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। तो 13 सितंबर 2010 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप को भूलने से भूल में भूल होती जाती है और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। 9 सितंबर 2010 की रिवाइज साकार महावाक्य। यह है युद्ध का मैदान। काम विकार बड़ा दुश्मन है। इस पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वे लक्ष्मी नारायण पहले वाले फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है। ऊंच नंबर उनका गिनाया जाएगा जो फर्स्ट आए। लक्ष्मी नारायण बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। 9 सितंबर 2010 के साकार महावाक्य है। कृष्ण का जब जन्म होता है तब तो स्वर्ग है। वह है नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। त्रेता में 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिटखिट होगी। दो कला कम होने के कारण शोभा कम हो गई। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु वह हेवन कैसे रचते हैं ये किसको भी पता नहीं है। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं देवताओं का परछाया कलयुग में पड़ नहीं सकता। फिर 2 जुलाई 2010 की साकार मुरली के महावाक्य है। बाबा कहते, मनुष्य देवताओं को वॉइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उनकी पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वॉइसलेस था। भारत ही स्वर्ग मोस्ट सॉल्वेंट था, अतः धन था। अभी भारत ही नर्क मोस्ट इंसॉल्वेंट बन गया है, कंगाल बन गया है। अभी बाप समझाते हैं कि भारत की और आत्माओं की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है।
ये है ज्ञान और सब है भक्ति। ओम शांति। कल इसी में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, रात्रि क्लास 9:45 बजे की, अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।